हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि इंडियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत स्पेशल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा और फाइनल प्रोडक्ट पेंटा एरिथ्रिटोल बनेगा। अपने एल्डोल रिएक्शन अलग से पड़ी है, कैनिजारो रिएक्शन भी अलग से पड़ी है। उन दोनों हम मिक्सअप कैसे कर सकते हैं वो अभी देख रहे हैं। ये देखो एसिटाल्डिहाइड है CH3COOH और ये फॉर्मल्डिहाइड है HCOH। देखो ध्यान से, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसकी रिएक्शन, और जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ पे हम बेस डाल रहे हैं, डाइल्यूट बेस डाल रहे हैं, काम हो जाएगा हमारा। इससे तो OH माइनस होगा और हमारे पास H2O भी होगा। तो ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा, सबसे पहले अटैक करने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी OH की हाइड्रोजन को ग्रैब करने की होती है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ तो है नहीं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है और तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप ये मानकर चलें कि तीन अल्फा हाइड्रोजन है अगर, तो ये तीन बार ग्रैब कर सकता है। अगर ये एक्सेस में है तो ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी। देखो इन्होंने ये पहला हाइड्रोजन ग्रैब किया, CH2- बना, COH बना, और ये फॉर्मल्डिहाइड तो एज इट इज लिख दिया फिलहाल मैंने। अभी नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन पे अटैक करेगा और O को हटा देगा। देखो ये CH2 यहाँ गया, अटैक किया, इससे ये बन गया CH2O-, उस O- पर सॉल्वेंट का H+ आकर एड हो जाएगा तो OH बन जाएगा। और ये प्रोसेस ये CH2COH एज इट इज लग जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये CO के पास एक और, अभी दो अल्फा हाइड्रोजन और हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन और हैं, तो बेस एक एक करके इन हाइड्रोजन को लेगा। तो बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया तो CH- बन गया। अब ये माइनस क्योंकि ये एक्सेस में हमने लिया है, बहुत सारा लिया है, तो HCOH में ये फिर से सेम तरह से अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा। यहाँ पे जो O माइनस बनेगा वो सॉल्वेंट का जो H+ है उसको ले लेगा और क्या बनाएगा, CH2OH CH CH2OH CHO। देखो कैसे इस वाले मॉलिक्यूल को मैंने एज इट इज लिख दिया, बस यहाँ माइनस पे ये CH2OH को रेड कर दिया, तो CH2OH CH CHO, और यहाँ माइनस के साथ मैंने इसको और लगा दिया, CH2OH आ गया। इसके बाद अभी भी इस एल्डिहाइड के अल्फा वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो ये माइनस ये वाला जो एच है वो फिर से निकल जाएगा, तो CH2OH C- CH2OH CHO, यहाँ पे माइनस बन गया, फिर से माइनस जो एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड है वहां पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और ऐसा कुछ बन जाएगा, एक कार्बन पे CH2OH CH2OH और एक और CH2OH, तो तीन CH2OH और एक एल्डिहाइड यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं तो OH- की रिएक्शन कैसे होगी, OH- यहाँ पे अब देखो कोई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा इससे, लेकिन यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन कर सकता है। देखो OH- के पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पे जाकर अटैक करे न्यूक्लियोफिलिक, ये यहाँ पे जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारा हिंड्रेंस है, यहाँ पे खाली है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ O- बन जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। अब फिर से ये रिबाउंड होगा, इस H को निकालेगा H- की फॉर्म में, और वो जो H- बनेगा वो एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक कर देगा, तो एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करने से क्या बन जाएगा, CH2OH 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 हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे O- आएगा, ठीक है। अब ये जो एसिड है और ये बेस है, इस ये एसिड अपने हाइड्रोजन को दे देगा और बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे फाइनली CH2OH आ जाएगा और ये जो है एसिड बना है वो H+ देकर HCO- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को आप बोल सकते हैं पेंटा एरिथ्रिटोल। तो पेंटा एरिथ्रिटोल के फॉर्मेशन का मेथड है ये, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को कैसे
रेट करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, इसकी स्पेशल रिएक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।